नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों का कक्षा छठी में जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला हो गया है तो अब उसके बाद उन्हें उस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ, अभिभावकों का यह जानना बेहद ज़रूरी है कि एक आवासीय विद्यालय में उनके बच्चे को किस प्रकार रखा जाएगा और क्या क्या सुविधाएं जो हैं उनको दी जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि कक्षा छठी से कक्षा बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए आवासीय विद्यालय है, उसमें क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को रहने की और उच्चतम पढ़ाई की सुविधा दी जाती है और वो भी एकदम निःशुल्क। जी हाँ, बच्चों को इसके लिए कोई फीस नहीं भरनी होती है। बच्चों के लिए वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग हॉस्टल हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं, अपना पूरा समय बिताते हैं, क्लासरूम्स हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों को वहाँ पर अच्छा और पौष्टिक खाना दिया जाता है, वो भी समय पर। बच्चों को वहाँ पर पूरा स्टेशनरी का सामान जैसे कि पेन, पेंसिल, पुस्तक, कॉपी, स्कूल बस्ता, ज्योमेट्री बॉक्स, फुट्टा, रबड़, यह सब भी मुफ्त में दिया जाता है। बच्चों की रोज़मर्रा की ज़रूरत का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर बच्चों को नहाने और धोने का साबुन दिया जाता है, बालों में लगाने के लिए तेल दिया जाता है, बच्चों को दंत मंजन का सामान मिलता है, जूतों पर पॉलिश करने के लिए सामान दिया जाता है और कपड़ों को धोने और इस्त्री करने की भी सुविधा जो है वो बच्चों को दी जाती है। वहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है और हर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक अलग डॉक्टर को अपॉइंट किया गया है जो बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहते हैं और अगर बच्चों को कभी ज़रूरत होती है तो वो उनकी पूरी सहायता करते हैं। बच्चों की सेफ्टी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं ताकि बच्चों के सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जा सके। और तो और, बच्चों के बाथरूम में भी टाइल्स की फैसिलिटी है और एकदम स्वच्छ बाथरूम बच्चों को दिए जाते हैं ताकि उनकी हाइजीन का और सैनिटेशन का पूरा पूरा ख्याल रखा जा सके। बच्चों की सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है, इसीलिए बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं ताकि वे फिट रहें। उन्हें योगा कराया जाता है ताकि उनका जो दिमाग है वो भी शांत रहे और उन्हें अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। बच्चे ताकि हमारी इंडियन कल्चर से जुड़े रहें, उन्हें वहाँ पर अलग अलग कल्चर के डांस म्यूज़िक जो है वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम, ऐसे नृत्य बच्चों को सिखाए जाते हैं। बच्चों के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम है, यानी कि पुस्तकालय भी है जहाँ पर बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक से अलग किताबें पढ़ सकते हैं और अपना समय बिता सकते हैं और अलग अलग राइटर्स और ऑथर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक अध्यापिकाएँ भी उच्चतम होते हैं और बहुत सारे टेस्ट और साक्षात्कार पास करने के बाद ही वे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए जो हैं एलिजिबल होते हैं, मान्य होते हैं, तो वे बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो बच्चों को बिल्कुल निशुल्क, जी हाँ बिल्कुल निशुल्क, बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के बाद दी जाती हैं और उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। तो अगर आपके बच्चे का भी जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला हो गया है तो आप चिंता ना करें, वहाँ पर आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उसे एक अच्छा इंसान बनाया जाएगा। अब अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जाननी है तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।